Welcome, friends. Let's start with our first question. This is okay. Based on the above arrangement, hash 51 is related to NFA in the same as P9 at the rate is related to which of the following groups letters number symbols? So, कौन से hash 51 P9 at the rate इनमें से related है? तो चेक करते पहले hash 51 तो यहाँ पे सब प्लस टू में है, ये है प्लस टू, ये है प्लस टू, NFA, फिर NFA, ये भी प्लस टू है, ये भी प्लस टू है, P9 अल्फा, ये प्लस टू, ये प्लस टू। अभी नेक्स्ट वाला कैसे लेना है? प्लस हैश के नेक्स्ट वाला, मतलब P के नेक्स्ट दैट इज स्टार एम के। स्टार एम के कहीं पे दिख रहा है? स्टार एम के, स्टार एम के कहीं नहीं पे, तो इट इज नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसेडेड बाय नंबर बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट। सो यहाँ पे कितने सारे कॉन्सोनेंट है जो इमीडिएटली प्रीसेडेड, जिसके पीछे एक नंबर है बट इमीडिएटली फॉलोड बाय अनदर कॉन्सोनेंट, बट आगे कॉन्सोनेंट नहीं है। तो एक कॉन्सोनेंट होगा जिसके आगे कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता है बट पीछे एक नंबर होगा। ओके, लेट्स फाइंड आउट। ओके, कॉन्सोनेंट जिसके पीछे एक नंबर है, आगे नंबर है, ये एक होगा एक। कॉन्सोनेंट पीछे नंबर नहीं है, छोड़ दो, एन छोड़ दो, एफ पीछे एक नंबर है, आगे एक नंबर है, हो जाएगा दो। कॉन्सोनेंट पीछे एक नंबर है, आगे सिंबल है, ये भी होगा तीन। देन दिस, पीछे एक नंबर है, आगे एक सिंबल है और नहीं, तो 1 2 3 4, वी हैव 4। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 17 फ्रॉम द राइट एंड 18 फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द अरेंजमेंट। मिडिल ऑफ 17 और 18 के बीच में, 17 फ्रॉम द राइट, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो ये हो गया n। 18 फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो हो गया ये m। ओके, अभी इन दोनों के बीच में हम लोग को देखना है। सी, यहाँ पे 3 चला गया, यहाँ पे 3 चला गया, बीच में कौन है? a है। ओके, बिटवीन दिस यहाँ पे 7 नंबर है, राइट, तो 7 के बीच वाला कौन सा? 4 होगा, तो a आ गया, तो यहाँ पे ऑप्शन a है, सो a इज करेक्ट आंसर। How many such symbols are there in the above arrangement, each of which is either immediately followed by a letter? How many such symbols? Okay, which is immediately followed by letter? एक कोई एक letter होना चाहिए और immediately preceded by number, या फिर कोई एक number होना चाहिए, ये दोनों में से एक। Okay, तो पहला symbol देखते हैं। Symbol letter नहीं है, number नहीं है, छोड़ दो। Symbol है, letter है, तो ये एक हो गया। ओके, सिंबल है, लेटर है, ये एक हो गया। देन सिंबल, ये एक सिंबल है जिसके आगे नहीं होगा, ठीक है, सिंबल है, या तो आगे लेटर होना चाहिए, पीछे नंबर होना चाहिए, नहीं है। फिर अगेन सिंबल है जिसके आगे लेटर है, पीछे नंबर नहीं है, छोड़ दो। सिंबल है जिसके आगे लेटर है, पीछे नंबर है, कोई सा भी एक ले लो, ठीक है। दो, सिंबल है जिसके आगे लेटर है, पीछे नंबर है, ये भी होगा। ओके, ये सिंबल है जिसके आगे लेटर है, पीछे नंबर है, तो ये भी होगा। तो कितने हमको मिल गए? 1 2
थ्री फोर, सो वी हैव फोर। ओके सी एट द रेट आर एल इज टू सिक्स थ्री सिक्स वाई क्वेश्चन मार्क। इन द सेम वे एच टू पाई सी इज टू वट। ओके तो मेरे को पहले ये देख लेते हैं सी एट द रेट आर एल, सी माइनस वन फिर उसके बाद प्लस टू, पहले गया माइनस वन फिर गया प्लस टू उसके बाद एल उसके फिर गया माइनस थ्री। ओके फिर थ्री थ्री गया प्लस वन, पहले प्लस वन फिर थ्री गया वाई पे, वाई इज माइनस टू, माइनस टू उसके बाद क्वेश्चन मार्क फिर आया प्लस थ्री। यू कैन सी दैट यहाँ पे माइनस और प्लस में अलग अलग है, यहाँ पे माइनस वन प्लस वन प्लस टू माइनस टू माइनस थ्री प्लस थ्री। सो इसका जो होगा ना तो वो डायरेक्टली ऑपोजिट होना चाहिए, जैसे एच टू पाई सी। ओके यहाँ पे हो गया प्लस वन फिर प्लस टू एच प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री। ठीक है तो हम लोग को सब कुछ नेगेटिव आना चाहिए, बट अभी हम लोग ये फाइंड आउट कैसे करेंगे किसका पहला लेटर क्या होना चाहिए। जैसे इसका पहला लेटर था सी, ओके बट अभी देखो थ्री यहाँ पे बहुत दूर पे है, राइट बहुत दूर पे, तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट ऐसे भी कर सकते हो वन टू थ्री फोर, बट यू कैन सी दैट एच के साथ इतना सारा बहुत ज़्यादा गैप हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे पहले लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड से काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सी सातवें नंबर पे है और राइट से थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो थ्री भी राइट से सातवें नंबर पे है। मतलब अगर हम लोग एच फाइंड कर देते तो राइट हैंड साइड से वो नंबर मिल जाएगा, तो ये एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो एच हो गया फोर्टीन पे, तो हम लोग को फाइंड करना है राइट हैंड साइड सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन, तो सेवन हो गया, तो हम लोग का फर्स्ट लेटर है सेवन। सी यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हो कि सेवन एक है, ठीक है बट नन भी है, तो हम लोग रिक्स नहीं लेंगे, हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग को पहले जाना है कितना, हम लोग को पहले जाना है प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस थ्री, राइट सॉरी सॉरी ये सारा माइनस टू है, माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री पीछे जा रहे हैं ना, ये सारे पीछे जा रहे हैं ना, तो माइनस टू होगा माइनस टू माइनस टू माइनस थ्री, तो हम लोग को जाना है प्लस टू प्लस टू प्लस टू अभी प्लस थ्री जाना है, तो ये तो आ गया आंसर सेवन जे फोर थ्री, सेवन जे फोर थ्री, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज ईदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर और इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो हमें सच लेटर्स लेटर्स खोजना है, ठीक है इन द व्हिच इज ईदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, या तो उस लेटर के पीछे नंबर हो और उसके आगे कोई सा भी सिंबल हो। ठीक है चलो खोजते हैं, लेटर लेटर के आगे सिंबल है तो एन एक हो गया, लेटर लेटर के आगे सिंबल है दो हो गया, ओके देन लेटर 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 के आगे सिंबल है थ्री हो गया, ठीक है लेटर के आगे सिंबल थ्री हो गया, फिर लेटर लेटर के आगे सिंबल है फोर हो गया, फिर लेटर 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 के आगे सिंबल है वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव हो गया, अभी लेटर 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 और क्या बोला, लेटर के पीछे नंबर होना चाहिए, फिर भी एक बार चेक कर लेते लेटर के पीछे नंबर है क्या, लेटर लेटर ऑलरेडी देखो इसको हम लोग ने एक कंसीडर किया तो ये ऑलरेडी वन काउंट में आ जाएगा, तो ये अगर वन है तो ये दूसरा हो गया, तो इसको तीसरा काउंट मत कर लेना, ठीक है तो ये जैसे हो गया
तो ये हम लोग का 3 हो गया, तो ये हम लोग का 4 हो गया, ठीक है, वी ऑलरेडी हैव 4। तो लेटर के पीछे नंबर, तो देखो अगर जे के आगे सिंबल है 5 हुआ, तो लेटर के पीछे भी तो नंबर है, तो ये हो गया 6। ओके, ये 6 हो गया। और लेटर के पीछे नंबर कोई, लेटर के पीछे नंबर, लेटर के आगे सिंबल, लेटर के पीछे नंबर है, तो 6 हो गया। देखो यहाँ पे 6 है ही नहीं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा नल। ओके, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज ईदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो चलो सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या निकालना है, हमें नंबर्स नंबर निकालना है। ओके, व्हिच इज आइदर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर, तो पीछे लेटर होना चाहिए, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, और एंड फॉलोड बाय सिंबल, दोनों कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो देखते हैं पहले नंबर को, 8, इसके आगे सिंबल नहीं छोड़ दो, 2 आगे सिंबल नहीं छोड़ दो, 5 आगे सिंबल नहीं छोड़ दो, 7 आगे सिंबल नहीं छोड़ दो, 4 के आगे सिंबल है बट पीछे लेटर नहीं छोड़ दो, 3 के आगे सिंबल नहीं है, 6 के आगे सिंबल है पर लेटर नहीं है छोड़ दो, 9 के आगे सिंबल है पर पीछे भी लेटर है तो इसको ले लो। तो हम लोग के पास एक ही कंडीशन है, ओके, 1 है क्या यहाँ पे, यहाँ पे 1 नहीं है तो इसका ऑप्शन नन हो जाएगा। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 11th फ्रॉम द लेफ्ट एंड 15th फ्रॉम द राइट हैंड। चलो मैं इसको 20 सेकंड देता हूँ, सॉल्व कर दो। ओके, 20 सेकंड्स। चलो सॉल्व करते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली मिडिल 11th फ्रॉम द लेफ्ट, 11th फ्रॉम द लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, तो 11 हो गया 6, मुझे लगता है बहुत लोगों ने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल लिया है। एंड 15 फ्रॉम द राइट हैंड, 15 फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15 फ्रॉम द राइट। अभी इसके बीच में कितने सर, कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए, तो बीच वाला क्या होगा, 3 हो गया, 9 आंसर में है, तो 9 आंसर में नहीं है, तो ये हो गया नन। 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस इन द अबव अरेंजमेंट, सो फॉर्म ए ग्रुप व्हिच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द, कौन ऐसा है जो इस ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। चलो फाइंड आउट करते हैं, ई, ओके, ई कहाँ पे, ई यहाँ पे, ई जी डॉलर, ई जी डॉलर, ओके, देखो प्लस 2, फिर आ गया माइनस 1 2 3 4 माइनस 4, और ऐसे देख सकते ई जी डॉलर। एग्जाम के टाइम में बहुत इजी हो जाता है इसको देखने के लिए, आर एफ डी, ओके, आर एफ डी, आर एफ डी, देखो ये हो गया प्लस 3 और ये हो गया माइनस 5, ठीक है, ऑलरेडी दूसरा अलग सैंपल है। फिर 1 2 7, 1 2 7, ये 1 2 7, ये 1 2 7 नहीं होना चाहिए, ये हो गया 1, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, 1 2 7, तो ये इसके साथ मैच कर रहा है, तो ऑड वन ये होना चाहिए, और जैसे मैंने बोला एक्सियम और एच हैश इसको नहीं देखना है, बस डायरेक्टली इसको क्लिक करके निकल जाना है, पर आप लोग के लिए तसल्ली के लिए एक बार मैं देख लेता हूँ, एक्स यू एम और एच हैश स्टार, देखो ये प्लस 2 में है माइनस 4 में है, और ये भी प्लस 2 में है माइनस 4 में, तो यही है, तो हम लोग को यहाँ पे ऑलमोस्ट 10 सेकंड बच गया। नेक्स्ट, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कंसोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। सो कितने ऐसे नंबर हैं
ठीक है, विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय कॉन्सोनेंट, तो पीछे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, तो यहाँ पे सिंबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पहले नंबर खोजते, नंबर वावेल छोड़ दो, फिर आ गया सिक्स, नंबर कॉन्सोनेंट, पर यहाँ पे सिंबल आ गया तो ये नहीं हो गया, नंबर ओके कॉन्सोनेंट पर यहाँ पे सिंबल आ गया छोड़ दो, ये नंबर सिंबल पर हमको कॉन्सोनेंट चाहिए, नंबर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ये होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंबल, इसका आगे सिंबल नहीं है, नंबर यहाँ पे सिंबल नहीं होगा, नंबर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट तो ये भी होगा, ठीक है, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम लोग को दो ही मिल गया, टू ऑप्शन में है, हाँ सी ऑप्शन में है, तो टू इज द राइट आंसर। What should come in the place of the question mark in the following series based on the above arrangement? ADI F6937 divide. उसके बाद हम लोग को खोजना है, ठीक है? चेक करते हैं ADI. तो ये चल रहा है plus 2 और यहाँ पे plus 3 के रूल पे F69. तो ये भी चल रहा है plus 2 और plus 3 के रूल में. अभी इन दोनों के बीच में देखना है, I और F के बीच में कितने में चल रहा है, I और F में चल रहा है प्लस टू, एक छोड़ के दूसरा लेटर, ठीक है, तो 3737 ये, तो एक छोड़ के दूसरा, तो प्लस टू जंप करना है, तो M मैंने जंप कर लिया, M जंप कर लिया, तो उसके बाद मुझे क्या फॉलो करना है, मुझे फॉलो करना है प्लस टू प्लस थ्री, प्लस टू और प्लस थ्री, तो M X F, M X F, देखो कहीं ऑप्शन में है क्या M X F, हाँ है, तो दिस इज योर राइट आंसर। हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट बट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय डिजिट, तो हम लोग को कॉन्सोनेंट फाइंड करना है, ईच ऑफ व्हिच इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, तो इसके आगे भी कॉन्सोनेंट होगा बट पीछे कोई डिजिट ना हो, ठीक है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं होगा, तो कॉन्सोनेंट फाइंड करते जिसके आगे भी कॉन्सोनेंट है, देख कौन है, बट एन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो दोनों कंडीशन लागू होना चाहिए, ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है, आगे कॉन्सोनेंट नहीं है, आर कॉन्सोनेंट पर इधर वाउल आ गया, आई कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल, दिस विल बी काउंटेड, फिर जैसे इसको ले, इसको भी एक बार देख लेना, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं है छोड़ दो, फिर वी कॉन्सोनेंट इधर नंबर है छोड़ दो, कॉन्सोनेंट नहीं है, कॉन्सोनेंट इधर, फिर आई आ गया नहीं छोड़ दो, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर इधर नंबर आ गया नहीं हो गया, बट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो एक के एक ऑप्शन आ गया, तो एक्स का नहीं होगा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, तो ये भी काउंट होगा, एफ एफ विल बी काउंटेड, फिर कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, फिर एक कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे दो मिल गया मुझे, ठीक है, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे तीन मिल गया मुझे, तो यहाँ पे तीन है, यहाँ पे एक, तो टोटल हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, 5 है ऑप्शन में, तो मोर देन 3 इज अ करेक्ट आंसर, ओके, थैंक यू ऑल।